हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मित्र, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था, चार टाइप के जो है दिशा से संबंधित जो क्वेश्चन बनते थे, एक कौन सा था, दूरी से संबंधित था, एक पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित था, एक घड़ी से संबंधित था, और इनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। आपने अगर आप जो है मित्र वो वीडियो नहीं देखे हैं, वो जाकर के प्लेलिस्ट से उसको पहले देखिएगा। आज की वीडियो में हम और जो है तीन टाइप के और कवर किए हैं, जैसे कि पहला क्या है, दिशा परिवर्तन से संबंधित हमने दो क्वेश्चन लिया है। इसके बाद क्या है दोस्त, कोण पर आधारित प्रश्न करेंगे। और इसके बाद क्या है तीसरा टाइप क्या है, तो जो है रेलगाड़ी से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वो हम ले आए हैं। तीन टाइप के ले आए हैं, एक टाइप का और बनेगा सूर्य का जो परछाई वाला क्वेश्चन बनता है दोस्त, उसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो कैसा लगेगा जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर नए हो दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है दोस्त। तो ये हमारी दोबारा की क्लास हो रही है, अभी क्लास हुई थी लाइट की इश्यू की वजह से उसमें दिख नहीं रहा था, तो दोबारा एक बार हम पढ़ा चुके थे अभी, तो दोबारा यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो आप थोड़ी जो मेरी परिश्रम है उसको आप शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, बस यही आपसे निवेदन है, ठीक है दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त, दिशा परिवर्तन से संबंधित पहला और दूसरा क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपका एक तरीका होना चाहिए दोस्त, पहले आपको जो है सर्वप्रथम आपको जो है दिशा आप लिख लीजिए। दिशा क्या होती है, दिशा इस तरीके से बना लीजिए आप, एक्चुअल जो होती है उसको आप बना लीजिए। फर्स्ट बनाइएगा ऊपर क्या होता है, उत्तर पूर्व, इसके बाद नीचे क्या दक्षिण, और इसके बाद पश्चिम होता है, क्लियर। ये एक्चुअल है, ठीक। अब क्या कह रहा है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, दक्षिण पूर्व जो है दोस्त क्या बोल रहा है, दक्षिण पूर्व जो है उत्तर हो जाए, दक्षिण पूर्व जो है क्या हो जाए, उत्तर हो जाए। और इसके बाद क्या बोला है, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, और उत्तर पूर्व जो है, उत्तर पूर्व क्या है पश्चिम हो जाए, उत्तर पूर्व क्या है बोला है पश्चिम हो जाए, क्या हो जाए पश्चिम हो जाए, क्लियर। अब इसके अपोजिट क्या बोल रहा है, आगे भी परिवर्तन इसी क्रम में जारी रहे, आगे भी परिवर्तन जो है इसी क्रम में जारी रहे, ठीक। तो पश्चिम क्या होगा, पश्चिम में क्या होगा ये पूछा है, आगे परिवर्तन जारी है, कहने का मतलब यही है दोस्त, पश्चिम का विपरीत क्या होता है पूर्व होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पूर्व हो जाएगा, और उत्तर का विपरीत क्या होता है, उत्तर का विपरीत क्या हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा, क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन में क्या बोला है, पश्चिम क्या होगा, पश्चिम क्या होगा, तो यही पूछ रहा पश्चिम क्या होगा, पश्चिम क्या होगा, तो पश्चिम जो है दक्षिण पूर्व होगा, दक्षिण पूर्व होगा। अगर आप जो है दोस्त पहली क्लास नहीं देखे हैं वीडियो की, तो आप पहली क्लास में जाइएगा, हमने बेसिक चीजें के बारे में बताया है जो आपको जानना जरूरी था, क्लियर। अब इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है उनको देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन को और बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं, ठीक। उत्तर दिशा क्या बोल रहा है, यदि उत्तर दिशा पश्चिम हो, उत्तर क्या है बोल रहा है, उत्तर क्या है पश्चिम हो, क्या बोल रहा है, उत्तर पश्चिम हो जाए, और पूर्व दिशा जो है उत्तर हो जाए, ये पूर्व क्या है बोल रहा है उत्तर हो जाए, उत्तर हो जाए, और इसी प्रकार आगे भी परिवर्तन हो जाए तो उत्तर पश्चिम के स्थान पर कौन सी दिशा होगी, परिवर्तन हो जाए कि इसका विपरीत क्या होगा, यहाँ पूरब हो जाएगा, और इसके बाद क्या होगा यहाँ दक्षिण हो जाएगा, क्लियर। अब क्या कह रहा है, उत्तर पश्चिम के स्थान पर क्या होगा, उत्तर पश्चिम के स्थान पर यही पूछ रहा है, उत्तर पश्चिम के स्थान पर क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, उत्तर पश्चिम के स्थान पर क्या होगा दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो गया, क्लियर। इतनी बात, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, क्लियर। दूसरा नंबर क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग कोण से संबंधित आते हैं, कुछ बेसिक जानकारी होना चाहिए कोण को, कोण के कोण पर आधारित प्रश्न को करने के लिए, जैसे कि अगर कोण आपको पता है प्रत्येक मोड़ जो होता है कितने डिग्री का होता है,
90 डिग्री का होता है। अब इसे लिखिए, इसको इसको आप बेसिक चीजें बना लीजिए। कितना होता है, जीरो से 90 डिग्री, 90 डिग्री से 180 से 270, और 270 से कितना होता है दोस्त, 270 से 360। ठीक, ये हो गया, इतनी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। चलिए अब इसके बाद और यहां भी जानकारी और रख लेते हैं हम लोग। यहां से यहां तक कितना होता है, 90 डिग्री। यहां से यहां तक कितना होता है, 180 डिग्री। यहां से यहां तक कितना होता है, 270। यहां से यहां तक कितना होता है, 360 डिग्री होता है। क्लियर। अगर दक्षिणावर्त बोला जाता है तो घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज होता है, और या दाहिने बोला होता है। अगर एंटी क्लॉक बोला जाता है तो जो होता है विपरीत दिशा होती है, मतलब बाएं होता है, और घड़ी के विपरीत दिशा होती है। ठीक, इतनी बातों को आप लोगों को हमने पहली क्लास में समझा चुके हैं। ठीक है दोस्त, तो आइए हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी दक्षिण की तरफ मुंह है। चलो ठीक है, आदमी हो गया, दक्षिण की तरफ मुंह है। ठीक, वह जो है 135 एंटी क्लॉकवाइज दिशा में है। 135 यहां लिखिए पहले, 135 एंटी क्लॉकवाइज कितना हो गया, 135। चलिए, और वहां से 180 क्लॉकवाइज, 180 जो है क्लॉकवाइज ठीक दिशा में घूमता है, तो उसका मुंह कितना हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप दोस्त बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 135 में से आप कितना घटाएंगे, 180 में से कितना घटा रहे हैं, 135 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। आप 45 डिग्री किसको घुमाएंगे, आप रोटेट कराएंगे, किसकी वैल्यू ज्यादा है, तो क्लॉकवाइज की वैल्यू ज्यादा है। क्लॉकवाइज बोले तो दाएं दिशा में, दक्षिणावर्त बोलेंगे ठीक है, तो क्लॉकवाइज कितना, 45 डिग्री। तो अब ये 45 डिग्री क्या हो गया, दक्षिण की साइड मुंह किया है, तो 45 डिग्री इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे, घड़ी की दिशा में यही है, घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज तो इसी को कहा जाता है, तो 45 डिग्री रोटेट कराएंगे आप, तो कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री रोटेट करा रहे हैं तो इसका दिशा क्या हो जाएगा, दक्षिण, क्या आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद आते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन को करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। मोहित का मुंह उत्तर पश्चिम, लिखिए पहले, मोहित का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है। क्लियर, ये आप इतना बातों को याद हो गया। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, वहां से दाएं बोले तो क्लॉकवाइज 135 क्लॉकवाइज, या दाएं बोले या दक्षिणावर्त बोले, तो तीनों का मतलब होता है घड़ी की दिशा में 135, फिर बाएं जो है 145 एंटी क्लॉकवाइज कितना, 45 डिग्री। वहां से फिर दाएं जो है क्लॉकवाइज जो है कितना, 180 डिग्री। फिर इसके बाद जो है, फिर जो है अंत में वहां से बाएं 270 डिग्री कोण घूमता है, 270 डिग्री कोण घूमता है। क्लियर ये बात। अब इसको आप दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और जो होता है कितना हो जाएगा, 8 × 3 कितना होता है, 11 होगा, और जो है कितना हो जाएगा, 1 × 1 = 2 = 3 हो जाएगा। कितना हो गया, इतना डिग्री हो गया, 315 डिग्री हो गया। इसको ऐड करेंगे आप, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 × 4 = 11, और 2 × 1 = 3 हो जाएगा। कितना डिग्री हो रहा है, दोनों इक्वल आ रहा है, कितना, 0 डिग्री। ठीक, तो ये हो गया। अब इसको और फास्ट करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि जो है आप इसमें से काट भी सकते हैं, काट करके आप जल्दी और फास्ट करेंगे, लेकिन पहले आपको इस तरीके से पता होना चाहिए, इसके बाद दोस्त आप फास्ट कर ले जाएंगे आराम से। ठीक, अब क्या कह रहा है, मोहित का मुंह उत्तर है,
मोहित का मुंह जो है उत्तर पश्चिम है, मुंह जो है उसका मोहित का कहाँ किधर है, उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम है, उत्तर कहाँ है, उत्तर पश्चिम है। क्लियर हुई इतनी बात, मोहित का मुंह किधर है, उत्तर पश्चिम है। अब 0 डिग्री रोटेट कराएंगे, मतलब सेम का सेम रहेगा, ठीक, उसका मतलब इधर ही का मुंह है तो इधर ही का मुंह ही है उसका। 0 डिग्री रोटेट कराएंगे तो कितना होगा, तो यही है कहाँ हो जाएगा आंसर आपका, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। क्लियर, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप पहले क्लॉकवाइज को और जो होता है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को सभी को जोड़ करके, इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज को जोड़ करके दोनों में उसमें माइनस करते हैं, जिसकी वैल्यू जो होता ज्यादा रहती है उसी के अकॉर्डिंग जो होता आंसर क्वेश्चन को आप घुमा देंगे। जितना बोला है 45 आएगा आंसर में, 45 डिग्री घुमा देंगे, 80 आता 80 डिग्री आप घुमाएंगे। क्लियर इतनी बात, चलिए आगे आते हैं हम लोग जो है 3 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। मान लो रजत का फेस साउथ में है, ठीक, मान लो रजत का फेस साउथ में है, मतलब दक्षिण दिशा की ओर था, उसने अपने घर को जाने के लिए कितना डिग्री घुमा, तो मुंह किधर पर था, अभी इससे मतलब नहीं इस बातों से, तो क्लॉकवाइज कितना घुमा, क्लॉकवाइज जो है कितना घुमा, 270 डिग्री जो है घुमा, ठीक। फिर उसने अपने दोस्त के यहाँ पहुंचा, वहां से कितना घुमा, 135 एंटी क्लॉकवाइज घुमा, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा। फिर जो है इसके बाद 45 डिग्री कितना क्लॉकवाइज घुमा, फिर जो है इसके बाद क्या है 90 डिग्री एंटी क्लॉक घुमा, फिर जो है कितना घुमा 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा। अब बताओ जो है 90 डिग्री घुमा, अब बताइए जो उसका मुंह जो है किधर है, ठीक, अब बताइए उसका मुंह जो है किधर है, ठीक दोस्त, ये हो गया। तो अब इसको ऐड कर सकते हैं आप, टोटल ऐड करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, आप यहां से 90 डिग्री इधर है, 90 डिग्री इधर है, इसको जो है स्किप कर दीजिए, काट दीजिए, और इसके बाद कितना पड़ता है, प्लस कर दिए, 5 हुआ 7 4 11 हुआ, 315 हुआ इसको, और जो है क्या इतना बता, 135 डिग्री। अब दोनों में इसका आप इससे माइनस करते हैं कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 11 में से 3 गए कितना हो जाएगा, 8 होगा, 8 हो जाएगा, और इसके बाद 2 में से 1 गया कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो कितना हो रहा है 180 डिग्री। अब किसकी वैल्यू ज्यादा थी, तो क्लॉकवाइज की वैल्यू ज्यादा थी, क्लॉकवाइज की वैल्यू जो है ज्यादा थी, ठीक दोस्त, तो किसकी वैल्यू ज्यादा थी, क्लॉकवाइज की वैल्यू ज्यादा थी, तो बोल रहा मान लो रजत का फेस जो है साउथ की ओर था, साउथ मतलब दक्षिण की ओर था उसका मुंह, दक्षिण की ओर था उसका मुंह, ठीक, अब दक्षिण की ओर था तो उस क्लॉकवाइज जो है उसको घुमाएंगे 180। अब उसका जो है मुंह जो है किधर होगा पूछ रहा है, यहां क्वेश्चन जो है और कंप्लीट कर लीजिएगा। अब उसका बताओ कि अब उसका जो है रजत का फेस किस साइड में है, रजत का फेस जो है किस साइड में है, तो 180 डिग्री घुमाएंगे आप, जिससे कि आप देख लीजिए 180 घुमाएंगे, यहां है इसका दक्षिण मुंह है इसका, 180 घुमाएंगे तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे कितना होगा, 90 डिग्री हो गया, यहां से यहां तक कितना 90 डिग्री, टोटल क्या होगा 180 होगा, तो यहां पहुंच गया, तो उसका फेस किधर हो जाएगा दोस्त, उसका फेस जो होता है नॉर्थ हो जाएगा, मतलब क्या होता है उत्तर दिशा में उसका मुंह जो होता है, फेस जो होता है, मुख जो होता है किस दिशा में हो जाएगा, उत्तर दिशा में हो जाएगा। क्लियर इतनी बात, ठीक। अब आते हैं रेलगाड़ी पे आते हैं, चौथे मतलब तीसरा टाइप क्या था, रेलगाड़ी से संबंधित है, इसको हम लोग करते हैं, रेलगाड़ी से संबंधित है, रेलगाड़ी से संबंधित है। चलिए एक पहले रेलगाड़ी बना लीजिए, एक रेलगाड़ी पश्चिम से पूर्व की ओर आ रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर आ रही है, रेलगाड़ी बना लीजिए, रेलगाड़ी हो गई, ये जो है इस तरीके से हमारी जो है रेलगाड़ी हो गई, रेलगाड़ी
रेलगाड़ी होगी। कहां किधर से जा रही है? पश्चिम से जा रही है, पश्चिम से पूर्व जा रही है, पूर्व जा रही है। यहाँ बत्ती बना लीजिए आप, ठीक, यहाँ बत्ती भी बना सकते हैं। चलिए, रेलगाड़ी हमारी चल रही है पूरब से, पश्चिम से पूर्व की ओर आ रही है, तथा उसकी उसी वेग से हवा दक्षिण में आ रही है। हवा जो है इधर से कहाँ जा रही है? इधर से दोस्त क्या जा रही है? हवा दक्षिण में जा रही है। हवा जो है किधर जा रही है? हवा जो है दक्षिण में जा रही है। चलिए, हवा, ये हवा का वेग है, ठीक। हवा जो है ये क्या है, किसका वेग? हवा का वेग है, ठीक, हवा हो गया। अब क्या बोल रहा है? दक्षिण में हवा जा रही है, यदि रेलगाड़ी धुआं छोड़ती है, यदि रेलगाड़ी जो है दोस्त, रेलगाड़ी जो है, रेलगाड़ी धुआं छोड़ती है, यहां हम रेलगाड़ी बना लेते हैं, यहां धुआं छोड़ती है, जब धुआं छोड़ती है, ये धुआं हो गया रेलगाड़ी का, ये हो गया रेलगाड़ी का धुआं। जब रेलगाड़ी धुआं छोड़ती है तो रेलगाड़ी धुआं फिर किस दिशा में जाएगा? आप एक पॉइंट को और याद रखिएगा दोस्त, रेलगाड़ी मान लो रेल चलती है, किसी भी साइड में चलेगी, धुआं वो जो है अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। हमारा फेस आपकी साइड में है तो हमारा धुआं किधर जाएगा? पीछे जाएगा। तो इस तरीके से आप समझिएगा, रेलगाड़ी के अपोजिट जो है धुआं निकलेगा। रेलगाड़ी पूरब की ओर जा रही है, धुआं उसका पश्चिम की ओर निकलेगा। रेलगाड़ी पश्चिम की ओर जा रही है, धुआं उसका पूरब निकलेगा। इतनी बात क्लियर, ये फिक्स है। तो अब बोल रहा है कि धुआं जब हवा चलेगी तो उसका धुआं किधर जाएगा? उसका धुआं थोड़ा सा चेंज होगा दोस्त, थोड़ा सा चेंज होकर किस दिशा में चला जाएगा? ये रेलगाड़ी है, ये जो है रेलगाड़ी है, उसका धुआं किस दिशा में हो जाएगा? उसका धुआं जो है दोस्त दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम, पूरा चेंज नहीं होगा, दक्षिण पश्चिम में चला जाएगा हवा के वेग से, क्योंकि यहां से जब फ्लो करेगा तो जो है पश्चिम ही जाएगा, तो लेकिन यहां इधर धीरे धीरे जाकर के जो है दक्षिण साइड में आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। एक क्वेश्चन और हम आप यहां से आपसे पूछते हैं, एक इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी, आप लिखिए, एक इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी पश्चिम से पूरब की ओर आ रही है, ठीक। रेलगाड़ी यहां कौन सी है? इलेक्ट्रिक है। एक इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी पश्चिम से पूरब की ओर आ रही है, तथा उसी वेग से हवा दक्षिण से दक्षिण में आ रही है। यदि रेलगाड़ी धुआं छोड़ती है तो रेलगाड़ी की धुआं किस दिशा में जाएगी? इसको आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक। तो यही रहा दोस्त, अगली वीडियो हम लोग कौन से टॉपिक टाइप की सीखेंगे, अगला टाइप कौन सा बचा है, परछाई से संबंधित क्वेश्चन बचा हुआ है, उसमें जो आपका कंफ्यूजन होता है वो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो हम लोगों ने कितने बेहतरीन तरीके से कितने टाइप के क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं अभी तक, जो है हम लोगों ने 6 टाइप के कवर कर लिए। पिछले वीडियो में 3 टाइप के कवर किए थे, आज के वीडियो में 3 टाइप के कवर किए हैं, आने वाले वीडियो में एक टाइप बचा है और हम देखेंगे, और अगर बनता है क्वेश्चन वो भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, ताकि जो है मेरा जो उद्देश्य है आपको एक सीट दिलाने का सफल हो पाए। रीजनिंग बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी दोस्त, रीजनिंग से ना भागिएगा, रीजनिंग के लिए टाइम दीजिएगा, तभी जो है आपको सफलता में एक और जो है आसान हो पाएगी सफलता में, ठीक। तो यही रही बात है, क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा और दोस्तों को साथ शेयर करिएगा दोस्त, ठीक है। मिलते हैं कल एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।